बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के सभी लोग समुद्र से मछलियां पकड़कर उसका व्यापार करते थे। उसी गांव में एक गोपी नाम का गरीब मछुआरा भी रहता था। गोपी दूसरे मछुआरों से बहुत गरीब था, क्योंकि उसके पास मछली पकड़ने के अच्छे साधन नहीं थे। गोपी के परिवार में उसकी पत्नी विमला और एक प्यारी सी बेटी थी, जिसका नाम गुड़िया था। एक दिन गोपी रोजाना की तरह समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ने के लिए जाता है, और वहां पहुंचकर समुद्र के किनारे खड़े होकर अपने कांटे में मछली फंसने का इंतजार करता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद गोपी कहता है, ओ मेरी प्यारी मछली, जल्दी से आजा मेरे कांटे में, मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है। कि तभी पानी में कुछ हलचल सी होती है। लगता है आज बहुत बड़ी मछली फंसी है, कांटा भी बहुत भारी है। गोपी क्या देखता है कि वह मछली कोई साधारण मछली नहीं लग रही थी। ए मछुआरे, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। अरे ये कौन बोला, यहाँ पर तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। इधर देख मछुआरे, मैं मछली बोल रही हूँ जो तुम्हारे इस कांटे में फंस गई। क्या मछली भी भला कोई बोलती है क्या? ओ मछुआरे, जल्दी कर, पानी से बाहर मेरा दम घुट रहा है। गोपी को मछली पर दया आ जाती है और वह मछली को पानी में छोड़ देता है। इसके बाद मछली पानी में लंबी सांस लेती है। ए मछुआरे, तुमने मुझे एक नया जीवन दान दिया है। तुम चाहते तो मुझे बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हे भगवान, एक तो सुबह से मेरे कांटे में कोई भी मछली नहीं फंसी, एक तुम फंसी थी उसे भी मैंने छोड़ दिया। अब मैं बाजार में बेचने के लिए क्या लेकर जाऊंगा? उदास मत हो मछुआरे, मैं एक इच्छा पूर्ति मछली हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी तीन इच्छा पूरी कर सकती हूँ। क्या तुम सही कह रही हो? जो मैं चाहता हूँ क्या तुम मुझे दोगी? हाँ मछुआरे, तुम एक बार मांग कर तो देखो। ठीक है इच्छा पूर्ति मछली, तो मेरी इच्छा ये है कि मेरी पत्नी हमेशा बहुत बीमार रहती है, पता नहीं उसे कौन सी बीमारी ने जकड़ रखा है। बस यही मेरी इच्छा है कि वो एकदम स्वस्थ हो जाए और मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। ठीक है मछुआरे, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करती हूँ। अब बताओ मछुआरे, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? नहीं नहीं इच्छा पूर्ति मछली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा परिवार स्वस्थ और खुश रहे, यही बहुत है मेरे लिए। गोपी तुम बहुत ही नेक दिल और सच्चे व्यक्ति हो, तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। गोपी मैं तुम्हें अपनी इच्छा से कुछ देना चाहती हूँ। ये लो एक जादुई छड़ी, इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ, तुम एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस जादुई छड़ी के बारे में तुम अपने परिवार के अलावा किसी और को पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इसकी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। ठीक है इच्छा पूर्ति मछली, मैं ऐसा ही करूँगा। आपने मेरी इतनी सहायता की, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।
इतना कहकर गोपी जादुई छड़ी को लेकर अपने घर आ जाता है और घर आकर गोपी अपने साथ घटी सारी घटना अपने परिवार को बता देता है, जिसे सुनकर उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है। अब गोपी जादुई छड़ी से जो भी मांगता तो वह उसे तुरंत मिल जाया करता था। अब गोपी के पास किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद गोपी और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।